नमस्ते, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें पनीर डाल के फ्राई कर लेंगे। इसे अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। अब ये हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा दिया है। अब इसे थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज। इसे थोड़ा देर भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। इन दोनों को थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। साथ में हम डालेंगे थोड़ा नमक। इसे भी भून लेंगे। इसे थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। जब तक हमारा टमाटर भून रहा है तब तक इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लेंगे 1 कप दही। इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी। इन सब को फेंट लेंगे। अब ये हो चुका है, अब ये भून चुका है। इसमें डालेंगे मसाला वाला दही। इसे अच्छे से चलाएंगे। दही डालने वक्त कढ़ाई को ठंडा कर ले ताकि हमारा दही फटे ना। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से तेल छूटने तक पकाएंगे। कुछ देर इसे ढक के पकाएंगे। ये देखिए अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला, कस्तूरी मेथी। इसे मिला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे पनीर। कुछ देर के लिए ढक के पकने देंगे। अब ये हो चुका है। इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, हरी मिर्च। इसे मिक्स करके बंद कर देंगे। लो जी, तैयार है ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। तो कैसा लगा खा के कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।